अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में शत्रुघ्न सिन्हा की खामोशी से एंट्री, शत्रुघ्न को शत्रु के देश में देखकर भारतीय नागरिक रह गए हैरान। कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने लाहौर में एक शादी समारोह में हिस्सा लिया, वहां से ये वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में कव्वाली कार्यक्रम का भी उन्होंने आनंद लिया। ये वीडियो एक पाकिस्तानी वेबसाइट आला पाक ड्रामा ऑफिशियल द्वारा रिलीज किया गया। इसमें लिखा गया, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता व राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा लाहौर में एक शादी समारोह में दिखे। फिल्म स्टार रीमा खान भी वहां मौजूद थी। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच सिन्हा की मौजूदगी से सभी हैरान रह गए हैं। आपको याद हो तो पिछले साल जब मशहूर गायक मिका सिंह पड़ोसी देश में गए थे परफॉर्म करने, तब उन्हें लोगों के साथ साथ मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा था। दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। आप कितनी नॉलेज रखते हैं सिंगर्स के बारे में? मेरा जवाब तो दीजिए, एक शांत हो जाए। मैंने आपको सुन लिया और मैं बिल्कुल कंट्रोल, डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा सहम गया हूँ, चिंता मत करो। सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं जवाब देने बार बार। आपसे पूछ रहा, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। एक सेकंड, एक जस्ट सम गोइंग ऑन, ओनली टू मिनट्स। आपको पता दो महीने पहले नया कक्कड़ और राधे का शो हुआ, आपको पता? क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपको पता, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, सोनू निगम और आतिफ असलम का शो हुआ है 4 महीने पहले, क्यों नहीं बोलते आप? जस्ट मेरे पे कि आपका नाम होगा, मेरी न्यूज बनेगी, इसलिए? एक सेकंड आप बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए। अगर आपको नॉलेज है, अभी अभी रश्के का मतलब गाना है, एक सेकंड आप सुनेंगे तो मैं कैसे चलेगा? एक सेकंड आप अभी गाना आया है सोचता एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं आप मेरी बात तो सुनिए, नहीं नहीं आप मेरी बात, मेरा पहले मेरी बात सुने, मुझे सुनना नहीं आपकी, फिर आप बोलते मैं जा रहा हूँ। उसी जगह पे आतिफ और नेहा का शो हुआ था, आपको पता है किसने कराया था वो शो? किसने कराया बताइए? अब ये चाहते हैं कि मैं भड़कूं और आपका फिर मीडिया चल जाए। कहाँ पे हुआ था मिका? इनको पता है? आप बताइए ना, इनको पता है? नहीं नहीं उनको नहीं पता। आप शत्रुघ्न सिन्हा को किस तरह से लोग आड़े हाथ लेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, और इस पर वो क्या सफाई देंगे, इसे सुनने का इंतजार सभी को है।